सुशीला की बहू मधु बहुत ही लालची स्वभाव की थी, इसी कारण उसकी सास उससे बहुत दुखी रहती थी। पति शहर में था, थोड़े बहुत पैसे वहां से आ जाते थे और बाकी मधु गांव के सेठों के घर कपड़े धोने का काम करके पैसे कमाती थी। मधु के पास एक पालतू गधा था जिससे वो सारा दिन मेहनत करवाती थी। ये हुई 5, ये 7 और ये 9। हाँ, पूरी 9 गठरी एक बार में सही है। पहले इतने कपड़े घरों में पहुँचा आती हूँ, बाकी और चक्कर में ले जाऊंगी। चल घन्नू, फटाफट कपड़े पहुँचा कर आते हैं। अरे मधु, सुबह से तू घन्नू से कितना काम करवा चुकी है, कुछ तो उस पर तरस खाया कर। वो बेचारा भूखा प्यासा सुबह से तेरे साथ काम में लगा हुआ है, उसे कुछ खाने को तो दे दे। अरे अम्मा, काम पर जाते हुए बीच में टोका मत करो, कोई भूखा नहीं है। कल रात को ही तो इसे पेट भर घास खिलाई थी, अब रात में ही खा लेगा सीधा। अभी अगर इसे खिलाने बैठी तो बहुत समय निकल जाएगा। पता नहीं इसे कितना लालच रहता है पैसों का, इतने घर पकड़ने की जरूरत क्या थी, 2-4 घर बहुत थे, एक अकेला गधा कितने काम कर लेगा। मुझे तो इस बेचारे को देखकर बहुत तरस आता है। मधु अपने गधे गन्नू को बहुत कम खाने पीने को देती थी और उससे ज्यादा काम करवाती थी। वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो ये भी नहीं जानती थी कि एक जानवर भूखा रहकर कितना काम कर लेगा। अरे मधु, कितने चक्कर जाएगी तू, कब से देख रही हूँ गन्नू इतने भारी भारी कपड़ों की गठरी के बोझ को उठाकर तेरे साथ जा रहा है। अरे कुछ तो उस पर तरस खा, कितनी गर्मी और धूप है, कुछ देर बाद चली जाती। अरे कैसी बातें करती हो चाची, जानवरों से जितना काम लो उतना वो फलते फूलते हैं, अगर इसे घर पर बैठा दिया तो आलसी हो जाएगा। अभी तो चलता फिरता फुर्तीला है, देखो आपकी बातें सुनकर इसने अपनी चाल कितनी धीमी कर ली। चल घन्नू, जल्दी जल्दी चल फटाफट। घन्नू चुपचाप बिना कुछ बोले सारे काम करता रहता था। एक दिन मधु जब सेठानी के घर पहुंची तो सेठानी बोली, मधु सुन, तेरा ये गधा कुछ दिन सुबह के समय मुझे दे देगी, मुझे अपने नौकर से कुछ मिट्टी की बोरियां उठवानी है, हवेली के बाग में नए पेड़ लगवाने का सोच रही हूँ। अच्छा मौका है, अगर मैं इनसे गधे का किराया मांग लूँ तो मेरे तो और पैसे बन जाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही है? अरे तू इसका किराया ले लेना, मैं कोई तेरा नुकसान थोड़ी होने दूंगी। बोल कितना किराया दे दूं इसका, फिर तू मुझे कल से अपना गधा दे देना। ठीक है सेठानी जी, तो फिर कल सुबह मैं आपको अपना गधा दे दिया करूंगी, उसके बाद दिन भर मेरे काम आ जाया करेगा। सेठानी की बातें सुनकर मधु के मन में लालच आ गया और उसने अपने गधे को सुबह के लिए सेठानी को दे दिया। अब सेठानी को इस बात से क्या मतलब कि पूरा दिन गधे ने और भी काम करने हैं। सेठानी तो उसका किराया देती थी, इसलिए वो उस गधे से पूरा काम निकालने लगी। अब तो गधा बहुत थक जाता था, भूखा प्यासा पहले सेठानी के घर काम करता, फिर उसके बाद मधु उससे पूरा काम लेती। दिन पर दिन घन्नू गधा कमजोर हो रहा था। एक दिन गधा बीमार पड़ गया। अरे आज तुझे क्या हो गया, टूट क्यों नहीं रहा? इतना काम लेगी इस निर्दोष जानवर से तो बीमार ही पड़ेगा ना, मुझे तो लगता है ये बीमार पड़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सेठानी से रुपए लिए हुए हैं, अब अगर ये बीमार पड़ा तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी और अपने पैसे वापस मांगेंगी, पर मैं तो सारे पैसे खर्च में लगा चुकी हूँ। घन्नू तुझे उठना ही पड़ेगा, रुक मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। मधु वैद्य जी को लेने जाती है। गधे की हालत बहुत खराब है, लगता है इसे खाना पीना अच्छे से नहीं दिया गया। एक काम करो, इसे खूब अच्छा पौष्टिक खाना दो, हरी घास फल सब्जियां जो भी ये खाता है इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और हाँ इसे आराम भी करवाना है। पर वैद्य जी ऐसे कैसे हो सकता है, घन्नू को काम तो करना पड़ेगा, मैं इसे आराम नहीं करवा सकती। वो तुम देख लो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारे हाथ में है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी इससे कोई काम मत करवाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मधु वैद्य जी की बात को अनसुना कर देती है। मधु घन्नू को कहाँ ले जा रही है? अरे मैंने सेठानी जी से पैसे लिए हुए, घन्नू काम नहीं करेगा तो वो मेरे से पैसे मांगेगी, इसलिए मैं इसे काम पर ले जा रही हूँ। मधु अपनी सास की बात नहीं सुनती और अपने गधे को काम पर ले जाती है। अब घन्नू और सुस्त सा बीमार रहने लगा। मधु की सास उसे लेकर बहुत चिंतित थी। एक दिन मधु घर पर नहीं थी, उसकी सास घन्नू के पास बैठी और उससे बोली, घन्नू बेटा देख मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जानती हूँ तू एक जानवर है, पर तू हमारी भावनाओं को अच्छे से समझता है, तू हमारी बहुत सेवा करता है, मधु के लिए इतना काम करता है और वो तुझे भूखा रखती है, फिर भी तू इतनी मेहनत करता है। पर बेटा अपने हक के लिए बोलना गलत बात नहीं है, मैं चाहती हूँ
मधु सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए तुझे कुछ समय के लिए थोड़ा आलसी बनना पड़ेगा ताकि मधु को सबक मिल सके। नहीं तो बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू निर्दोष जानवर है, तेरे साथ होते अन्याय को मैं और नहीं देख पा रही, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। अभी मधु तुझे कहीं भी जाने के लिए कहे तो कोई काम मत करना। सुशीला की बातों को घनुगधा बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब अगले दिन जब मधु उसे सेठानी के पास छोड़ने के लिए जाने लगी तो घनुगधा तो उठने का नाम ही ना ले। अरे तुझे क्या हो गया, कितनी देर से तुझे उठाने की कोशिश कर रही हो। अरे उठ जा, काम को देर हो रही है, क्या करूं जो तू उठ जाए। रुक, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाती हूँ, फिर तो तू खाकर उठ जाएगा ना। अब आएगा मजा, अगर घनु मेरे कहे मुताबिक चलेगा तो जल्दी ही मधु की आंखों से लालच का पर्दा हट जाएगा। मधु ने घनु को खूब सारी हरी घास और फल सब्जियां खाने के लिए दी, पर उसके बाद भी घनु टस से मस नहीं हुआ। अब तो मधु परेशान हो गई, उसे सेठानी के घर काम को भी देर हो रही थी। हार कर वो खुद ही सेठानी के घर गई और बोली, सेठानी जी मेरा गधा बहुत आलसी हो गया है, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है या क्या वजह है, आप मुझे बता दो, बोरियां मैं रख देती हूँ। ठीक है, तू एक काम कर, बोरियां तो आई हुई हैं, सारी मिट्टी बगीचे में फैला दे। मधु मिट्टी की बोरियां बगीचे में ले जाती है और मिट्टी गमलों में फैला देती है। उसके बाद वो सारे कपड़े उठाकर घरों में देने के लिए जाती है। उस बीच मधु को एहसास होता है कि जब उसे एक दिन में इतनी थकावट हो रही है तो घनु को कितनी थकावट होती होगी, पर वो बेचारा तो बेजुबान है, कुछ कह भी नहीं सकता। वो सोचती है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई, जो उसने लालच में आकर अपने निर्दोष पालतू जानवर अपने घनु को कितनी तकलीफ दी। मधु को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो घर जाकर अपने गधे को बहुत प्यार करती है और उससे माफी मांगती है। घनु मुझे माफ कर दे, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं लालच में आकर अपना ही फायदा देखती रही, मैंने तेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। मधु की बातें सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। घनु भी खुशी में सिर हिला रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो इशारों ही इशारों में सुशीला के साथ अपनी खुशी बांट रहा था। उस दिन के बाद मधु ने लालच करना छोड़ दिया, वो अपने गधे से उतना ही काम लेती थी जितना कि वो कर पाता था, इसलिए अब घनु गधे ने भी आलस करना छोड़ दिया और अब तो वो पहले से भी ज्यादा फुर्ती से काम करने लगा। वर्षा बहु नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। तुम्हें पता तो है माँ, वर्षा सुबह बाजार के लिए निकल जाए तो शाम से पहले लौटती नहीं है। आ तो गई हूँ, वो मेरी सहेली ने बताया था सस्ती साड़ियों की सेल लगी हुई है, वो दो साड़ी फालतू खरीद लाई तो मुझे बोली कि तू रख ले, मैं उसी के घर चली गई थी। इतनी साड़ियाँ पहले रखी हुई है, वो कहाँ संभालोगी बहु। माँ जी मुफ्त में कोई चीज मिले तो लेने में हर्जी क्या है। बहन जी कपड़े धोने का सर्फ लोगी, अगर 5 पैकेट लोगी तो ये बाल्टी मुफ्त में मिलेगी। 5 पैकेट के साथ एक बाल्टी मुफ्त, माँ जी खरीद लेते हैं, मेरे बाथरूम की बाल्टी टूट गई है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, वो भी 200 रुपए के 5 सर्फ के पैकेट। वर्षा पहले सर्फ देख तो ले इस्तेमाल में कैसा है, पता चले बेकार हो। माता जी सुबह से बहुत पैकेट बेच चुके हैं, लेना है तो लो, नहीं तो हमें और भी जगह बेचने जाना है। माँ जी मुझे बाल्टी की जरूरत है, ये लो 200 रुपए, लाओ सर्फ इधर दो, कपड़े तो धोने ही है, अभी इस नई बाल्टी में ही डुबो देती हूँ। अरे ये सर्फ में झाग क्यों नहीं बन रहा, ये क्या, ये तो मामूली पाउडर है और ये बाल्टी मानो अभी चटक जाएगी। और करो लालच। ये कहानी है वर्षा की, जो अपने पति विनोद और सास ससुर के साथ जबलपुर में रहती थी। वर्षा का 3 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम वंश था। वर्षा स्वभाव से बहुत लालची थी, मुफ्त में कुछ भी मिल जाए बस, उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन विनोद ये देखना मेरी सहेली ने मुझे मोतियों की ये माला दी है, कैसी लग रही है, वो पहनती नहीं थी, मैंने कहा मुझे दे दे। अच्छी है, पर ऐसे हर बार तुम किसी न किसी सहेली के घर जाती हो और कोई न कोई चीज लेकर आती हो, अच्छा नहीं लगता। विनोद तुम खुद तो कभी कुछ लाकर देते नहीं हो और मेरी सहेलियां दें तो तुम्हें बुरा लगता है। विनोद इसे कुछ भी कहना बेकार है। माँ जी एक तो वैसे ही शादी के बाद इस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों की सारा दिन चिक चिक सुनकर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई भिंडी बाजार है हमारा घर। वंशाओ तुम्हें तैयार कर दूं, बर्थडे में जाने का समय हो रहा है।
अब आज किसका जन्मदिन है जो दोनों माँ बेटे तैयार होकर जा रहे हो? दादी, मेरे दोस्त दीपक का बर्थडे है। वो बहुत बड़े फार्म हाउस में पार्टी दे रहा है, इसलिए मम्मी पापा दोनों को ले जा रहा हूँ। ये सफेद कमीज और कोट पहन लेना जी, तुम्हारे लिए कल स्पेशल खरीद कर लाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के बीच कुछ तो ढंग के दिखो। वर्षा विनोद और वंश के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां पर उसे उसकी सहेली मीनल मिल जाती है। अरे वर्षा, और बता कैसी है? कोई बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। ये तो तूने वही साड़ी पहनी है ना जो मैंने तुझे सस्ते दामों पर बेचती थी। यहाँ तो चुप हो जा मीनल, वो तो काफी पुरानी बात हो गई, किसी ने सुन लिया तो। वर्षा जरा इधर आना। देखा, मैं तभी बोल रहा था, यूं लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदती रहती हो। मम्मी, मुझे भी इस साल अपना बर्थडे ऐसे ही फार्म हाउस पर मनाना है। इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना बेटे तेरे पापा के बस की बात नहीं है, भूल जा। किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाता तो शायद ऐसा धूमधाम वाला जन्मदिन मना पाता। चलो, काफी देर हो गई है, ऑटो भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ वंश बेटा, दीपक के साथ कुछ देर और खेल लो। बस सर, ऑटो मिल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे नहीं सर, आप परेशान। वो हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, इसलिए हम कैब करके आए थे, अब हो नहीं रही तो ऑटो। विनोद, जब मिस्टर अरोरा इतना जोर दे रहे हैं तो चल लेते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है और ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। वर्षा विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरी वश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलिशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो, और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुशी खुश रहूं। अच्छा चलो, एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा, इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना, तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, रुको मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छप कर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन दे। ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद ना जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है, मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों, जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माजी, आओ आओ माजी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं, मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना, मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया, नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन,
हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5-स्टार होटल में पार्टी दे रही हो। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी, अचानक। विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस करने तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे, भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है, कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूँ?